संगत का असर ये है कि यहां के मुख्यमंत्री जी भी आंध्र प्रदेश के विकास के विजन को भूलकर मोदी को गाली देने की कंपटीशन में कूद गए हैं। साथियों, उन्होंने वादा किया था कि आंध्रा के इंफ्रास्ट्रक्चर का टर्न अराउंड करूंगा, लेकिन खुद ने ही यू टर्न ले लिया। उन्होंने अमरावती के नव निर्माण का वादा किया था, लेकिन अब पुनर्निर्माण में खुद लगे, खुद के पुनर्निर्माण में लग गए हैं। उन्होंने आंध्र प्रदेश के सनराइज का वादा किया था, लेकिन अपने सन SON अपने सन को ही राइज कराने में जुट गए हैं। उन्होंने आंध्रा के गरीबों के लिए नई योजनाएं चलाने का वादा किया था, लेकिन मोदी की योजनाओं पर ही अपना स्टिकर लगा दिया है। साथियों, मैं तो हैरान हूं कि आखिर मुख्यमंत्री जो हो क्या गया है। वो बार बार मुझे ये याद दिलाते हैं कि वो मुझसे बहुत सीनियर है। भाई, इसमें क्या विवाद है? आप सीनियर है, इसलिए आपके सम्मान में मैंने कभी कोई कमी नहीं छोड़ी है। आप सीनियर है दल बदलने में, आप सीनियर है नए नए दलों से गठबंधन करने में, आप सीनियर है अपने खुद के ससुर की पीठ में छुरा भोंकने में, अरे आप सीनियर है एक चुनाव के बाद दूसरे चुनाव में हारने में, एक चुनाव के बाद दूसरे चुनाव में हारने में, और मैं तो उसमें सीनियर हूं नहीं। आप सीनियर है आज जिसको गाली दें कल उसकी गोदी में बैठने में, आप सीनियर है आंध्र के सपनों को चूर चूर करने में। साथियों, सम्मान अपनी जगह है, लेकिन जनहित के मुद्दों पर जब वो चुकेंगे, अपनी बातों से अपने वादों से पलटेंगे, तो देश का सेवक होने के नाते मैं उन्हें याद जरूर दिलाऊंगा। साथियों, अपने सिद्धांतों से एन लोकेश के पिताजी इसलिए भटक गए हैं क्योंकि वो सच्चाई का सामना नहीं करना चाहते। मैं आज उनका सच आपको बताने के लिए आया हूं। पहला सच, वो कभी दोबारा चुनाव जीत नहीं पाए हैं और इसलिए चुनाव में बुरी तरह उनको हार का डर लग रहा है। दूसरा सच, अपने बेटे को राजनीति में स्थापित करने की कोशिश। तीसरा सच, अपनी वेल्थ का क्रिएशन। और चौथा सच, जो इस समय आपसे बात कर रहा है आपका ये चौकीदार, उन्होंने उनकी नींद हराम करके रखी है। इन चारों सच्चाइयों से वो डरे हुए हैं, नींद नहीं आती है, परेशानी से दिन गुजार रहे हैं।